नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में कि इस पे क्या है अंतर। बिहार में सड़कों को लेकर बिहार सरकार का दावा है कि 5 घंटे में आप बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री मंच से कितनी बार बोल चुके हैं कि आप बिहार के किसी भी कोने से एक दिन में पटना से अपना काम करवा कर अपने घर लौट सकते हैं। सरकार के इन दावों से यह लगता है कि नीतीश सरकार ने सड़कों को लेकर काम किया है। ऐसे में बिहार में कई नेशनल हाईवे और कई स्टेट हाईवे बनाए गए हैं, साथ ही साथ नेशनल हाईवे भी देश में बनाए गए हैं। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, जिसे हम NH कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के बुनियादी ढांचे की रीढ़ होती है, जो कि भारत के हर प्रमुख शहर को जोड़ती है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 या 2 से अधिक लेन होते हैं, जो कि चारकोल या फिर कोयले और कुछ सीमेंट कंक्रीट द्वारा बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल और साइकिल सवार को जाने की मनाही होती है, क्योंकि इस पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग से देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि कई शहरों के साथ व्यापार राजमार्ग के माध्यम से ही होता है। बता दें कि NH का पूरा नेटवर्क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम यानी कि NHIDCL और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग, जिसे कि हम PWD के नाम से जानते हैं, के द्वारा किया जाता है। नेशनल हाईवे की स्थापना 1988 में की गई थी। यह प्राधिकरण राजमार्ग विकास, रख रखाव और टोल संग्रह के लिए निजी और सार्वजनिक साझेदारी मॉडल का उपयोग करता है, साथ ही साथ NH को विस्तारित और अपग्रेड भी करता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 228 है। वहीं अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लें तो NH की कुल लंबाई 1,31,326 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 और 300 इसकी जो लंबाई है वो है 3,745 किलोमीटर, जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कवर करता है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। भारत में सबसे छोटे राजमार्ग NH 47A और NH 47 से कुंडूर से शुरू होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। भारत में एक्सप्रेसवे 6 से या 8 लेन के नियंत्रित एक्सप्रेसवे रोड नेटवर्क वाले राजमार्ग होते हैं। मूल रूप से एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसमें एक्सेस रैंप, ग्रेड सेपरेशन, लेन डिवाइडर और एलिवेटेड सेक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं होती है। इसमें प्रवेश और निकास छोटी सड़कों के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे कई स्मार्ट और इंटेलिजेंस फीचर्स के लैस होता है, जिसमें कि एक हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और फिर वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है। अब यह कहा जा रहा है कि अगर आगे कोई एक्सप्रेसवे बनता है या फिर बनाने की बात अगर सरकार के मन में आती है कहीं, तो उसमें जो है इन मापदंडों को शामिल किया गया है। यानी कि अब तक जो एक्सप्रेसवे बने हैं उनमें जो है इन मापदंडों का उपयोग किया जाता रहा है। एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत संचालित किए जाते हैं और इसके निर्माण और रख रखाव के लिए भी जिम्मेवारी भी इन्हीं के पास होती है। भारत में वर्तमान में 21 से 25 एक्सप्रेसवे हैं। इनकी कुल लंबाई 15,814 किलोमीटर है। अगर वे सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। अगर हम देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो आगरा लखनऊ 302 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो अब तक का देश का जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। NH एक्सप्रेसवे में क्या है अंतर? तो एक्सप्रेसवे में सड़क मल्टीप्लेक्स नहीं होती है, यानी कि यहाँ गाड़ियाँ एक लिमिटेड प्लेस में एंट्री कर सकती है और आगे या फिर दूसरी सड़क मिलता या फिर कहीं भी एक्सप्रेसवे को पार नहीं करता है। इसमें कोई भी सड़क नहीं जुड़ती है और ना ही गुजरती है। इसकी वजह से इसमें हादसे भी कम होते हैं। NH में हाई स्पीड यातायात देने के लिए स्पेशली 4 लेन होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे एक हाई स्पीड वाली सड़कों का ढांचा भर होता है। इसमें कम सड़कें जुड़ती हैं। इसमें कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि
एक्सेस रैंप लेन डिवाइडर पर राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर हम बात एक्सप्रेसवे की कर लें तो एक्सप्रेसवे जो है एक सीधी सड़क होती है और इसमें जो है कई ब्रांचेज नहीं निकलते हैं कि उससे निकल कर जो है दूसरी सड़क से कनेक्ट हो जाए, लेकिन नेशनल हाईवे जो है उससे कनेक्ट होकर दूसरी सड़कें जो है कनेक्ट हो सकती हैं। तो मोटा मोटी जो दोनों का अंतर अगर हम सीधे तौर पर समझें, आसान भाषा में समझें, तो एक्सप्रेसवे जो है जहाँ से शुरू होगी उसका एक एंड पॉइंट होगा, बीच में जो है उसमें कोई लूप जो सड़कें होती है वो नहीं होंगी, मगर नेशनल हाईवे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तो शुरू होगी लेकिन उसमें कई सड़कें कनेक्ट होते जाती है, लेकिन एक्सप्रेसवे में इस तरह की बात नहीं है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।